काफी हैंडसम लग रहे हैं आप. थैंक यू. प्लीज हैव अ सीट. वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स लाइव. जोरदार तालियां. क्या बात है सर, मैंने आपको डांस शो में देखा. आप जज करते हैं वहाँ पे, ऐसा गोल्डन टोपी बांटते हैं, कहीं वहाँ से दो तीन टोपियाँ चुरा के आपने शूज और बटन तो नहीं लिए? अच्छा एक बात बताइए कि आप बॉलरूम डांस के फेमस हैं वो सिखाने में, ऐसा ऐसा क्यों? मतलब ऐसा चिपक के ऐसा लड़की के वही डांस क्यों आपने सीखा? कभी ऐसा हुआ कि पहले पहले आपकी कोई डांस पार्टनर और चिपक के डांस, ऐसा बॉलरूम डांस हो रहा हो और वो वड़ा पाव खा के आई हो प्याज के साथ, तो करते करते आपको प्रॉब्लम हुई? हुआ कभी ऐसा? बहुत बार होता है, स्पेशली क्लासेस में होता है. तो आई थिंक सब लोग जो शो देख रहे हो, अगर आप बॉलरूम डांस करते हैं या कोई भी चिपकने वाला डांस करते हैं तो प्लीज अपना मुंह और अपने बॉडी पे जरा कुछ लगा कर आइएगा. आई लाइक ही च्युइंगम ये खा के कीजिए. बंद करो. अरे आप लोग कैसे हो? आप लोग आज पता लगा आप लोग डांस अच्छा क्यों कर रहे हैं. ये पैंट पहनते हो ना, ये बटन और जिप चुभती है ना, फिर मुंह बनाते हो गंदे गंदे और फिर डांस निकल जाता है ना. तो इधर आ अपना पिंटू. चिंटू हाँ वही तेरे वाले. इधर आ यार, वो धोती सही है, कसम से नीचे से हवा भी लगती है. और क्या, वेस्ट ओपन, जब तक दिल किया पहना, नींद आया लेटा ओढ़ा सो गया दुनिया के पहाड़ में. आप तो धोती ओढ़ के सो जाते हैं. हाँ दुनिया यूं करके निकलती है फिर. या भाई ऐसे निकलती है दुनिया. लेकिन उल्लू अंकल आप यहाँ पर कैसे? मैं क्या जू से निकल के आ रहा हूँ अपना छोटे वाले भालू. इधर खड़ा हो जाओ. वाटर कूलर. वाटर कूलर. मैं मतलब कोई बिल्ली का बच्चा हूँ. बिल्ली से याद आया, क्या हाल है सरासर, क्या नाम है तुम्हारा? मुदस्सर. हाँ वही तेरे वाला. ऐसे बच्चे बैठे हो ना साथ में, आदमी दूध पी के टिश्यू समझ के इसी से साफ कर लेता, जा फेंक दिया. वैसे शकील भाई आप क्या, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, कपड़ा तो ढंग का पहन के आते हैं. अच्छा अब आप हमें सिखाएंगे कपड़ा पहनावा भाई? ठीक है तुम पैंपर पहनने की उम्र में हिट हो गए. ओ सियाणे डांसर. संदीप सोपारकर. संदीप सोपारकर जो मर्जी आए वो कर जा. और क्या हाल है चीता माँ? गीता माँ. गीता नहीं हाँ. गीता गीता माँ. गीता माँ. हाँ वही तेरे वाला. उल्लू अंकल ये क्या बोली जा रहे, इतने बड़े बड़े कोरियोग्राफर बैठे, आप इधर करने क्या आए हो? बताने आया हूँ डांस क्या होता है. जाओ मैं कपड़े पहन लूं. अरे चलिए ठीक है, डांस डांस कर रहे हैं. चलिए बता दीजिए गुल्लू अंकल, आप शो में जाने के कितना पैसा लोगे? पैसा मिलता है मेरे को तो एक बियर की बोतल देते, सारी रात नचाते हैं. अरे मैं तो घर आता था अपना करकर भाई, क्या नाम है? संदीप सोपारकर. कौन सब कर? कर सोपारकर. कर सोर पारकर. संदीप सोपारकर. वहाँ जाके पार कर, वहाँ पे जगह बनी हुई है. अच्छा सुने मैं डांस का बताता हूँ. मैं बहुत बड़ा डांसर, मैं घर आता हूँ हाँ. तैयार होता हूँ, मेले में जाता हूँ, डांस करता हूँ, मुंह से नोट पकड़ता हूँ. मुंह से नोट पकड़. समझ नहीं आया, शुरू से बताओ. शुरू से मैं घर से काम पे से आता हूँ, पसीना साफ करता हूँ, नहाने जाता हूँ, तौलिया से साफ करता हूँ, फिर बाहर आता हूँ, माँ को बोलता खाना दे खाना दे, वो खाना कपड़े पहनता हूँ, फिर जाता हूँ मेले में डांस करता हूँ, मुंह से नोट पकड़. यार क्या कह रहा, समझ. थैंक यू. क्या बात है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स लाइव सर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सर ये क्या किया आपने? अरे आप मेरे सीनियर है, बुजुर्ग है. अच्छा मुझे लगा मेरा टैलेंट देख के आपने मेरे पैर छू लिए. अरे आप टैलेंटेड भी हैं और बुजुर्ग भी हैं. क्या बात है तालियां. सर इतने बड़े सुपरस्टार आए. अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. आइए सर. सर मैंने सुना आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं. सर आप बच्चों से मैं बहुत प्यार करता हूँ. हाथ नहीं उठाते. कभी हाथ नहीं उठाता क्योंकि आप मानते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं. बिल्कुल होते होते कि नहीं.
चलिए सर तैयार हो जाइए फिर टेढ़े मेढ़े सवालों के लिए। कीजिए टेढ़े मेढ़े सवाल। हाँ जी सर, पहला सवाल ना आपने कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा आज तक किसी टेलीविजन शो पे, वो सवाल किसी ने आपसे नहीं किया होगा कि आप इतने यंग दिखते हैं, इतने जवान दिखते हैं, इसका क्या राज है सर? क्या बात है दुनिया में, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, आज तक दुनिया में मुझे किसी ने इतना नया और फ्रेश क्वेश्चन किसी ने पूछा। सब लोग काम की बात करते हैं, ये मेरे फिटनेस की बात कर, कितना नया, कितना थैंक यू सर क्वेश्चन पूछा। क्या बात है कितने ओरिजिनल है सर, आप इतने यंग लग रहे कि अगर मेरे मुंह से दो तीन बार आपके लिए बेटा बेटा निकल जाए तो गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं। मतलब इतने यंग लग रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं आपका दादाजी हूँ। अच्छा सर मैं आपको बता दूँ, मैं भी आपकी तरह फिट हूँ, वो मेरा थोड़ा पेट 3D है इसलिए थोड़ा बाहर दिखता है। अगर फिर भी आप ब्यूटीफुल हैं। यस सर, पप्पी का बहुत मजा आया लेकिन जो दाढ़ी सुइयों की तरह चुभी ना उसका बड़ा दर्द हुआ। लेकिन अनिल कपूर की पप्पी मिली है यार, क्या बात है। पप्पी हो तो अनिल कपूर जैसी, वरना ना हो। सर दूसरा सवाल, ये झकास गोंडिया झापड़ी के ऐसा चलना सर, ये खुद आपका है, इजाद किया हुआ है या डायरेक्टर ने समझाया था? देखिए ये सब चीजें ऑब्वियसली डायरेक्टर ने मुझे बताई है, ये जो होता ना कि चलने का स्टाइल, ये स्टाइल वगैरह। पर एक चीज मैं बाकी राइटर के हाथ में बताऊं, एक कुछ चीजें मैं खुद लिखता हूँ, आप जो देखने वाले हैं उसमें कुछ किसी ने वो मैंने खुद लिखे। सर वो कौन से एपिसोड में आने वाले हो? वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, प्लीज बता दो सर। आपको चली से इंतजार करना पड़ेगा। सर मैंने सुना है कि कॉलेज में सेकंड ईयर पे आपको मतलब सस्पेंड कर दिया था सर, क्या ऐसी हरकत क्या की आपने? ये बात तो बिल्कुल सही है, मुझे सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि थोड़ी बहुत स्ट्राइक हो गई थी और मैंने मेरे दोस्त थोड़े बहुत क्या किया क्या था बिना कपड़े लड़की को छेड़ा, वो स्ट्रीकिंग किया था। स्ट्रीकिंग का मतलब समझती हैं आप? स्ट्रीकिंग मतलब क्या होता है वो? स्ट्रीकिंग यू नो कपड़ों के बिना। अच्छा कपड़ों के बिना। नंगा पुंगा बहुत ही हंगामा हो गया हम सबको कॉलेज से। आप भी नंगे पुंगे हुए थे कि नहीं सर? ये मैं क्यों बताऊं? आप हुए होंगे तभी किसी के मुंह से निकला होगा झकास यार। मैंने लोगों ने मुझे इंटरव्यू किया है और यू आर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंकर, ब्यूटीफुल, सेक्सी, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक टीवी एंकर आई मेट इन माय एंटायर लाइफ। जोरदार तालियां भारती जी के लिए और कॉमेडी नाइट लाइव, जोरदार तालियां। हैंडसम नहीं मैं तो लग रहा हूँ एकदम झकास तो होगा यार तू, क्योंकि मैं अभी भी 24 साल का दिखता हूँ। अरे बात तो सही है। एक मिनट सर, मैं तो आपकी मिमिक्री कर रहा हूँ, आप ऐसे क्यों हंस रहे हो? अरे मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि अनिल कपूर की इतनी घटिया एक्टिंग मैंने आज तक नहीं देखी। अरे जब मेरे को घटिया बोली दिया है तो अभी मैं खुल के अनिल कपूर करूंगा। बहुत थका डला यार। अरे अरे क्या बताऊं भैया, हम सब आप सब ये सब हमने हमारे जो हिंदुस्तान के शहंशाह सबसे बेहतरीन सबसे कमाल के मेगा स्टार बच्चन साहब से सीखा है मैंने ये सब। क्या बात है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए बच्चन साहब के लिए। तो वैसे एक बात बोलूं सर, कभी फनी फैन मोमेंट हुआ आपको कि आपको हंसी भी आ रही और गुस्सा भी आ रहा हो? कभी ऐसा हुआ एयरपोर्ट पे आपकी फ्लाइट निकल रही और कुछ लोग होते हैं ना ऐसे बात कर रहे थे जैसे फोन पे, आप सर एक मिनट ऐसे फ्लाइट, हाँ मम्मी, हाँ हाँ मैं पहुँच जाऊँ, हाँ सर, हाँ मम्मी पहुँच जाऊँ, हाँ हाँ कित कौन सा, अरे दो टच है ना, नहीं लगे ज़्यादा नहीं हुआ, हाँ 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 मम्मी सर एक फोटो, हाँ मम्मी हाँ हाँ ओवर लगे नहीं हुआ, हैंड कैरी लिया है, मेरा
हाथ तो छोड़ो। हाँ मम्मी, अनिल का वो हाथ ही पकड़ के बैठे हुए मेरा। हाँ मम्मी, हाँ मेरी फ्लाइट छूट जाएगी प्लीज। फोटो ले लीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो। हाँ मम्मी, ये बाद में फोन करेंगी, बाद में फोन करेंगी, फोन करो, फोटो ले लो। नहीं सर, गलत सर, पाउट वाला। ऐसा हुआ सर कभी? ऐसा हुआ था, हुआ था। आइए सर, कहाँ हुआ था सर? अरे एयरपोर्ट में कितनी बार हुआ ऐसे, हमने देखा है प्रोमोज में भी। हाँ जी। और आपके साथ 20 सर सुसु जाना आपको। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, पूछिए, पूछते रहिए मुझे। ए चिंटू, तुम्हारा नाम चिंटू है ना? सर मेरे पास एक ही निक्कर है। बैठो, उसको गीला करा देंगे हम। थोड़ा हो भी गया। अरे कैसे हो राठो? अरे कैसे हो? बैठिए बैठिए बैठिए। वाह सिकंदर जी, आपने तो आते ही हमें डरा दिया। सिकंदर जी, आप अपने रोल से खुश हैं? मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस रोल के साथ। बहुत मजा आया ऐसे में काम करने का। हालांकि ये गोरखपुरी कैरेक्टर है तो मैं एक किस्सा इन्हें सुना दूं। बिल्कुल। तो ये था कि अरुण शेरचंद गोरखपुरी था, तो मैंने सोचा कि ये गोरखपुरी कैरेक्टर के डायलेक्ट में कर दूं जिसमें इसका लहजा गोरखपुरी हो जाए। तो एक रात जब मैंने इस कैरेक्टर और लहजा को फाइनलाइज कर लिया तो मैंने सीधा फोन उठा के इनको फोन करके मैंने कहा, क्यों बर राठौड़ ऐसे बात करेंगे तुम्हारा टीवी शो में, समझे ना, तुमको बहुत मजा आएगा, हमको भी बहुत मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, इसका ऐसा ही। सर कमाल की एनर्जी सर, अनिल अनिल कपूर सर के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, पागल हो गए हम। क्या बात, पागल हो गए हम। बैठिए।